सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल जिसका नाम था 20 पोस्ट। यहाँ पर आपको मिलता है फुटबॉल से रिलेटेड साइड ट्रांसफर न्यूज़, ट्रांसफर रूमर्स। तो शुरू करते हैं इसका वीडियो बिना किसी देरी के। तो जो सबसे पहला जो न्यूज़ आ रहा है वो है मुंबई सीरीएससी की तरफ से। तो मुंबई सीरीएससी दो प्लेयर्स को साइनिंग करवाने के बहुत क्लोज है, और जिनका नाम है फारूक चौधरी और मंदार राव देसाई। तो मंदार राव देसाई ने तो अभी एफसी गोवा छोड़ ही चुके थे, तो अभी मुझे लगता है मुंबई सीरीएससी में ही जाएंगे मंदार राव देसाई और फारूक चौधरी भी, क्योंकि आप ऑलमोस्ट कन्फर्म समझ लीजिए, क्योंकि डील ऑलमोस्ट डन है, बस ऑफिशियली अनाउंस होना बाकी है। सो मुंबई सीरीएससी ने मतलब ऑलमोस्ट कंफर्म कर लिया है फारूक चौधरी और मंदार राव देसाई को, ऐसा ही न्यूज निकल के आया है। तो जब कंफर्म हो जाएगा मैं आपको बता दूंगा। सो जो नेक्स्ट न्यूज आ रहा है वो है ओगबेचो को लेकर। ओगबेचो को लेकर बहुत कन्फ्यूजन है, मैं क्लियर कर देता हूँ। सो ओगबेचो के पास बहुत सारे क्लब्स का ऑफर है, ठीक है, मुंबई सीरीएससी का ऑफर है, फिर कुछ कुछ बोल रहे थे एटीके का ऑफर है। तो मैं अभी के लिए मैं वो सब नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा क्लब्स का ऑफर है। ऑफिशियली किसी को नहीं पता कौन से क्लब्स का ऑफर है, सब रैंडमली गेस कर रहे हैं। सो क्लब्स का ऑफर है ओगबेचो के पास। सो अब ओगबेचो को 30% कट ऑफ लेने के लिए, मतलब पे कट्स लेने के लिए बोला गया था कैलाबश एफसी की तरफ से, मतलब जितना सैलरी होगा उससे उसको 30% कैलाबश एफसी मैनेजमेंट ओगबेचो को नहीं देगा। सो ओगबेचो के पास ये चांस था, अगर वो लेना चाहते हैं उतना पैसा जितना पैसा कैलाबश एफसी दे रहे हैं तो वो सही है, अगर वो नहीं लेना चाहते तो वो मतलब टीम से निकल सकते, अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते। तो यही है ओगबेचो का अभी के लिए जितना अपडेट आया है। अगर ओगबेचो एग्री कर जाते हैं कैलाबश एफसी के साथ कि मैं पे कट्स ले लूंगा, सो वो कैलाबश एफसी में रहेंगे। अगर ओगबेचो बोलते कि मैं पे कट्स नहीं लूंगा तो वो किसी दूसरे क्लब में जाएंगे। सो अभी तक इतना ही अपडेट है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। जब फ्यूचर में कोई अगर कोई क्लब से ऑफर आ जाएगा या फिर पता चलेगा तो मैं जरूर बताऊंगा। सो जो नेक्स्ट न्यूज आ रहा है वो आ रहा है सिंजी कागावा को लेके। सो बहुत लोगों को पता है सिंजी कागावा कौन है, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। सिंजी कागावा एक टाइम पे बोरुसिया डॉर्टमुंड के लिए भी खेले बहुत लंबे टाइम तक, और अभी तो वो है रियल ज़ारागोज़ा में, ला लीगा के सेकंड डिवीजन में, और जापान के जो फर्स्ट इलेवन में भी वो आते हैं, मतलब सब्स्टिट्यूशन में भी सब्स्टिट्यूट में रहते हैं, कभी कभी फर्स्ट इलेवन में आके खेलते हैं। सो मतलब बहुत ही बड़े लेवल के प्लेयर हैं। सो उनको आईएसएल के कुछ क्लब्स से ऑफर मिला है और कुछ क्लब्स के साथ उन्होंने बात भी किया है, बट यहाँ पे आ जाता है बात पैसे का, क्योंकि इनका जो मार्केट वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर इनको कोई आईएसएल क्लब लाना चाहते हैं तो अपने टीम में, सो ये बहुत टफ होगा, बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि इनका जो वेज है वो बहुत ज़्यादा है। हाँ ये फ्री एजेंट हैं बट हो जाएंगे, बट फिर भी, और फ्री एजेंट होंगे फिर भी बहुत टफ है, और एक्चुअली फ्री एजेंट होंगे नहीं क्योंकि इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2021 तक का है। सो मतलब ट्रांसफर फी भी देना पड़ेगा, फिर वेज, तो मुझे नहीं लगता कि होगा, बहुत कम चांसेस है। बट हाँ कुछ क्लब्स के साथ सिंजी कागावा ने बात किया है आईएसएल के कुछ क्लब्स के साथ, बट ऑफिशियली कौन से क्लब्स के साथ बात किया है वो तो निकल के नहीं आया। सो जो नेक्स्ट न्यूज आ रहा है वो आ रहा है आईएसएल को नए सीजन का स्टार्टिंग डेट को लेके। सो जो नया सीजन जो स्टार्ट होगा, जो डेट निकल के आया है वो है 21 नवंबर, नहीं तो 22 नवंबर, मतलब 21 या 22 नवंबर में आईएसएल शुरू हो जाएगा। सो यही कुछ दो डेट्स निकल के आया है। सो हाँ 21 नवंबर से ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 21 से ही शुरू हो जाएगा आईएसएल। सो देखते क्या होता है। सो जो नेक्स्ट न्यूज आ रहा है वो है एफसी गोवा की तरफ से। तो एफसी गोवा लेंडर डी कुना, इनको ऑफिशियली साइन करवा लिया है। तो लेंडर डी कुना एक्चुअली एफसी गोवा का जो यूथ सिस्टम है उसका प्लेयर है, और ये एफसी गोवा का 7th ऐसा प्लेयर है 3 सीजन में जो यूथ से आया है, और यूथ सिस्टम के प्लेयर्स मतलब अच्छे हो जाते हैं, कभी कभी अच्छे परफॉर्मेंस देते हैं, कभी कभी उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देते यूथ प्लेयर्स। बट हाँ एफसी गोवा ने यूथ प्लेयर्स को ऑफिशियली अपने मेन 11 मतलब मेन टीम स्क्वाड में शामिल करवाया है। सो जो नेक्स्ट न्यूज आ रहा है वो है निर्जस वास्किस को लेकर। सो निर्जस वास्किस आईएसएल छोड़ सकते हैं, ऐसा ही न्यूज निकल के आया है, और बहुत हाई चांसेस है, क्योंकि निर्जस वास्किस के साथ ऑब्वियसली चेन्नई एफसी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, और दूसरे कुछ क्लब्स के उनको ऑफर मिला है, बट उतना कुछ सेटिस्फैक्ट्री ऑफर नहीं था निर्जस वास्किस के लिए। सो अभी तक के लिए तो निर्जस वास्किस का जितना रिपोर्ट आया है तो वो निर्जस वास्किस आईएसएल छोड़ने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि बाहर के कुछ क्लब से भी निर्जस वास्किस को एक अच्छा ऑफर मिला है,
मतलब एशियन क्लब्स से ही कुछ। मुझे नहीं लगता कि निजात वासकिस आईएसएल में रहेंगे, क्योंकि आईएसएल के क्लब्स ने उनको उतना अच्छा ऑफर दिया नहीं है। देखते क्या होता है। जो नेक्स्ट न्यूज आ रहा है हमारा केरला एफसी की तरफ से, तो केरला ब्लास्ट एफसी गुरकिरत सिंह को ऑलमोस्ट कंफर्म कर चुका है। तो गुरकिरत सिंह इंडियन एरोज का एक प्लेयर है और बहुत ही अच्छा प्लेयर है। इंडियन एरोज में इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। देखना पड़ेगा कि केरला ब्लास्ट एफसी में आके वो कैसा परफॉर्म करते हैं। जो नेक्स्ट आज के जो लास्ट न्यूज आ रहा है हमारे रॉय कृष्णा को लेके, रॉय कृष्णा तीन क्लब से उनको ऑफर आया है। एक है एटी के मोहन बगान, क्योंकि वो ऑब्वियसली एटी के मोहन बगान से उनको कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन का तो ऑफर है ही। फिर है मुंबई सिटी एफसी और ईस्ट बंगाल। अब देखने का बात है कि रॉय कृष्णा किस टीम में जाते हैं, और इसीलिए शायद एटी के मोहन बगान जोनाथन सोरियानो के ऊपर इंटरेस्टेड है। बट अगर एटी के मोहन बगान जोनाथन सोरियानो को लेंगे तो ऑब्वियसली रॉय कृष्णा को नहीं ले पाएंगे। उतना मतलब उतना बजट नहीं है किसी क्लब के पास कि वो दो इतना बड़े लेवल के प्लेयर्स को ले सके। तो मुझे लगता है मुंबई सिटी एफसी में जाने का चांसेस है, बट वी डोंट नो एनीथिंग कि बीच में से शायद ईस्ट बंगाल रॉय कृष्णा को खरीद ले, अगर ऑब्वियसली अगर ईस्ट बंगाल आईएसएल में खेलते हैं तो। अगर नहीं खेलते तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता रॉय कृष्णा ईस्ट बंगाल में जाने का। बट हाँ, अभी के लिए तो जो दो सबसे बड़े कंटेंडर्स है वो है मुंबई सिटी एफसी और एटी के मोहन बगान, और देखना पड़ेगा कि रॉय कृष्णा कौन से क्लब में जाते हैं। बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना मत भूलेगा, और कमेंट करके बताइए कि रॉय कृष्णा कौन से क्लब में जाएंगे, आपको क्या लगता है। और मैं मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।